हेलो फ्रेंड, दिस इज हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं टेक्नो हमन। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ़ोन पे मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप फ़ोन पे मोबाइल ऐप का यूज़ करते हैं किसी को रुपए सेंड करने के लिए, तो यहाँ पर आप रुपए ट्रांसफ़र कर सकते हैं मोबाइल नंबर पर, बैंक पर, या किसी की UPI आईडी पे, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर किसी के बैंक अकाउंट में भी रुपए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जब भी हम रुपए ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारे पास एक प्रूफ होना चाहिए जिसको हम शेयर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग बैंक पर जाते हैं, ठीक है, बैंक पर गए, हमने किसी को रुपए ट्रांसफ़र करा, तो बैंक वाला जो कैशियर होता है वो हमको एक रिसीप्ट देता है, ठीक है, जिसका प्रूफ होता है कि हमने उसको रुपए सेंड कर दिया है। इसी तरह से आपको फ़ोन पे भी आपको एक रिसीप्ट देता है जो कि प्रूफ है कि आपने उसको रुपए सेंड कर दिया है। और जो आपको रिसीट होता है, जो रसीद होता है, उसको अगर आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उस रिसीप्ट को वो देखेगा और वो समझ जाएगा कि हाँ, इस बंदे ने उसको इतना रुपये भेज दिया है, ठीक है। तब किस तरह से यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि उस रिसिप्ट में ट्रांजेक्शन नंबर प्लस अदर डिटेल सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बताऊँगा, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, और यहाँ पर आपको रेड कलर में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने फ़ोनपे मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। अब आप सबसे नीचे यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको हिस्ट्री का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने विक्रम भाई को यहाँ पर 1,000 रुपये सेंड किया हुआ है, ठीक है। लेकिन अब मुझे इसका प्रूफ चाहिए, तो इस पर मैंने क्लिक किया। एक तो हमारे मोबाइल पर रहेगा हमेशा, लेकिन अगर हम किसी को रिसीट शेयर करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने विक्की को 1,000 रुपये भेजा, अब मैं विक्की के किसी दोस्त को एज ए प्रूफ भेजना चाहता हूँ कि मैंने विक्की को 1,000 रुपये भेज दिया, तो मैं क्या करूँगा, और इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये खुल के आ जाएगा। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शेयर रिसीट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने व्हाट्सअप पर क्लिक कर दिया है। व्हाट्सअप पर क्लिक करके जैसे कि मैं इसको इस ग्रुप में शेयर करना चाहता हूँ, तो देख सकते हैं कि मैंने इस ग्रुप पर शेयर किया तो ये रिसीट आ चुकी है, ये मेरी पेमेंट की रिसीप्ट है कि मैंने 1,000 रुपये विक्रम को भेजा है। और कब भेजा है ये दिया हुआ, डेट कि 9 अप्रैल को भेजा है, टाइम भी दिया हुआ इतना, किसको भेजा है तो यहाँ पर विक्रम को दिया हुआ, कितना अमाउंट तो 1,000 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर ट्रांजेक्शन आईडी भी दी हुई है, ठीक है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि रुपए वहाँ पर पहुँचा नहीं, मैंने उसको भेज दिया लेकिन वहाँ पर नहीं पहुँचा, तो अगर हम कस्टमर केयर से बात करते हैं तो वो ट्रांजेक्शन आईडी पूछते हैं, तो ये ट्रांजेक्शन आईडी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस रिसीट में होती है, तो इसको आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर शेयर कर दिया, तो ये हो गया हमारा ट्रांजेक्शन रिसीट जो कि हम शेयर कर सकते हैं किसी के साथ। तो इस तरह से आप यहाँ पर फ़ोनपे मोबाइल एप्लीकेशन में ट्रांजेक्शन रिसीट किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप वीडियो पसंद आया, अगर आपकी वीडियो पसंद प्लीज़ लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको डेली कुछ नया सीखने को मिलता है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।